दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय NHPC। जिला सुंदरनगर कांग्रेस के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ तहसीलदार सरकाघाट दीनानाथ यादव के माध्यम से मुख्यमंत्री को क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र में COVID-19 कोरोना महामारी के चलते हो रही परेशानियों को सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से हल करने की मांग की है। पवन ठाकुर ने बताया कि सरकार को क्षेत्र के उन लोगों को अपने घरों में पहुंचाने के लिए कदम उठाने चाहिए जो बाहर फंसे हुए हैं। इसके अलावा बेरोजगार हुए लोगों को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाना चाहिए। सरकाघाट भूमंडलाधिकारी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को एक पत्र लिखा, उसमें कहा कि जो हमारे लोग बद्दी नालागढ़ या प्रदेश के दूसरे हिस्से में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द घर वापसी सुनिश्चित कराई जाए। साथ में हमने जिस तरह आपने जो है वो BPL परिवारों को राशन दिया, उसी तर्ज पे आपने APL परिवारों को भी राशन दिया जाए। साथ में हमारे जो मध्यवर्ती जो दुकानदार भाई हैं उनका हम जो ऋण लिया है, उन्होंने बैंकों से ऋण लिया है या उनके टैक्स हैं, उन सबको ऋण को है कम से कम 6 महीने तक बैंक जो है उसको माफ़ करे और उनके टैक्स हैं वो 6 महीने के माफ़ करें। उसी तरह हमारे टैक्सी चलाने वाला है, ट्रैक्टर वाला है, छोटा व्यवसायी है जो छोटी गाड़ियां चलाता है, उसके जो टैक्स कम से कम 1 साल के जो है वो टैक्स जो है वो माफ़ होने चाहिए ताकि उनका जो कारोबार वो पटरी आ सके। उसके साथ साथ हमने किसानों के लिए जो थ्रेशिंग के लिए मुफ्त बिजली और खाद और जो बीज है वो मुफ्त मुहैया कराया जाए। इसी तरह से हमने जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो लोग बद्दी या जिस इंडस्ट्री में काम करते थे और घर में आज बैठे हुए हैं, उनके लिए भी भत्ता दिया जाए ताकि वो अपने परिवार का संचालन कर सके। उसी तरह हमने सभी वर्गों जो और हमारे जो आज सेवा कर रहे हैं, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, चाहे आंगनबाड़ी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, आशा वर्कर हैं या हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो सभी भाई उनको जो है वो जो PPE है, जो उनको जरूरी PPE है उपलब्ध करवाए जाए। इसी तरह हमने जो आज और भी हमने जो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जितनी भी जो हमारे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों की बेसिक समस्याएं थी उनको हमने SC महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के कहा और हमने ये आश्वासन दिया कि इस लड़ाई में हम सरकार के साथ है, हर पक्ष के साथ है। आज हम जो काम है वो दलगत राजनीति से उठ के और पूरी प्रदेश कांग्रेस पार्टी है वो सरकार के साथ कदम ताल से कदम चल रही है, पर हमारे लोगों को भी प्रदेश के लोगों को भी आपके द्वारा राहत मिलनी चाहिए और लोगों का खान पान दूसरी चीजें हो सब चीजें हो सुनिश्चित होनी चाहिए। दिव्य हिमाचल TV के लिए सरकाघाट से पवन प्रेमी की रिपोर्ट। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC ने COVID-19 महामारी के रूप में पैदा हुई वर्तमान वैश्विक आपदा के खिलाफ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कई पहल और उपाय किए हैं। अपने सभी 22 पावर स्टेशनों से बिजली का निर्बाध उत्पादन करते हुए NHPC एक जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में कार्यरत है। फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों में स्थित दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना हो या कंचनजंगा की तलहटी में बसा 30 पावर स्टेशन, कश्मीर घाटी में स्थित उड़ी दुलहस्ती एवं किशन गंगा पावर स्टेशन हो या लद्दाख में कठोर मौसम की मार झेलते निम्बोबाजगो और चुटक पावर स्टेशन, इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए NHPC के सभी पावर स्टेशनों, परियोजनाओं तथा कार्यालयों पर समर्पित कार्यबल है जो लगातार इस आपदा के खिलाफ NHPC की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। पावर स्टेशनों पर सभी कार्य क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी कार्मिकों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। NHPC भोजन और सूखे राशन का वितरण भी कर रही है। इसी क्रम में NHPC उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर फंसे सैकड़ों नेपाली नागरिकों के लिए प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रही है। NHPC और इसके कर्मचारी इस विपरीत परिस्थिति में समाज के साथ एकजुट खड़े रहते हुए सतर्क और जागरूक हैं। आइए जागरूक और जिम्मेदार बने। स्वच्छता, साफ सफाई और सामाजिक दूरी के साथ कोरोना को हराएं। धन्यवाद। अब जनहित के लिए यह संदेश।
आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड 19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड 19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर ना निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।